Hi, my name is Namit Shah and you are watching CineSpeaks. जैसे कि आज सीन में देख रहे हैं आप लोग, कोई तो नाराज़ है आपका दोस्त और कुछ सरप्राइज भी प्लान कर रहे हो, एक्चुअल में क्या हो रहा है? वो जानने के लिए तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, बट आई कैन मेक श्योर दैट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड द स्टोरी टर्न्स आउट टू बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों में नाराज़ी क्यों अक्सर हो जाते हैं? कुछ ना कुछ अनबन सी चल रही है, ये तो कुछ तो बता सकते हैं ना। देखिए, दोस्तों में जब नाराज़गी होती है तो दोस्त जब आप बोलते हो तो आप किसी से रिश्ता जोड़ लेते हो। अब रिश्तेदारों से जब नाराज़ होते हैं तो वो बहुत जेन्यून रीज़न की वजह से होती है, ना ही वो ज़्यादा देर तक टिकती है और ना ही वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप दोस्त हो, आप एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से साथ में हो, कनेक्ट करते हो एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे से प्यार करते हो एंड आई गेस दोस्ती दुनिया का सबसे स्ट्रांग रिश्ता होता है, बिकॉज इतनी ओपननेस होती है दो दोस्तों में या जितने भी दोस्त हैं उन लोगों में, तो नाराज़गी जो होती है ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। अक्सर देखा सखी और अवनीता और आपको लेके काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन चलते रहते तो दोनों तरफ से कितने परेशानी झेलना पड़ता है आपको? मैं क्या ही बताऊँ अभी, मतलब आगे हुआ तो पीछे खाई वाला हो जाता है मेरे साथ, तो मतलब दोनों ही आगे पीछे पड़ी रहती है आपके, आप सपोर्ट किसको करो नहीं करो, मतलब इसमें आप देखिए अभी सपोर्ट तो क्या है, मैं हूँ अब इतना हैंडसम तो अभी दोनों आगे पीछे तो होगी। I'm just kidding. दोनों ही बहुत स्वीट है एंड विवान तो दोनों से ही प्यार करते हैं यार, दोनों मतलब चाहे कोई और रिश्ता होना हो दोस्त तो दोनों ही है और दोस्त दोनों ही बहुत अच्छे है, आगे के रिश्ते तो फिर बनते टूटते रहते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि ऑडियंस को काफ़ी कुछ देखने मिल सकता है आगे। यस, ऑडियंस को काफ़ी कुछ देखने मिलेगा और ऑडियंस को डेफिनेटली मज़ा आएगा, तो आप देखते रहिए बागले की दुनिया सब टीवी पे मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे।